यंग ब्लड शुमन गिल, जीरो किल, विनर विनर चिकन डिनर, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे एंड इंडिया वोन बाय अभिषेक शर्मा। दूसरी क्रिकेट टीम के प्लेयर मैच जीतते हैं, 50s बनाते हैं, सेंचुरीज ठोकते हैं, फास्टेस्ट सेंचुरीज बनाते हैं, बाद में सेलिब्रेट करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आकर जिम की वीडियो बना रहे होते हैं, प्रैक्टिस की वीडियो बना रहे होते हैं और प्रैक्टिस भी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे टुक टुक टुक। इन लोगों को कोई खबर ही नहीं है पाकिस्तानी अवाम तपी पड़ी है और इनको और तपा रही है ऐसे बैटिंग करके। जो लोग इंडियन टीम को फर्स्ट मैच पर वर्सेस जिम्बाब्वे के ट्रोल कर रहे थे, अब इंडियन टीम ने टाइट स्लैप मारा उनके मुंह पर कि ये देखें ये है हमारी परफॉर्मेंस। एक बैड डे से ये पता नहीं चलता कौन सा प्लेयर कितने पानी में है। अभिषेक शर्मा, यकीन मानो जैसे उसकी बैटिंग है, क्रिकेट में अगर कोई गैंगस्टर है ना स्पेशली पावर प्ले में, और जो उसकी पूरी परफॉर्मेंस जब तक वो क्रीज पर खड़ा हुआ है, जैसे वो बैटिंग करता है ऐसे तो कोई नहीं मारता। ऐसे तो यार ट्रेविस हेड मारते थे और ट्रेविस हेड के साथ इसने बैटिंग सीखी है, यानी टुल्लेबाज के साथ रह रह के खुद भी टुल्ला बन गया है अभिषेक शर्मा। एक शर्मा, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम में आया है, दूसरा अभिषेक शर्मा। यकीन करो दोनों सेल्फिश हैं, उनको परवाह नहीं है, वो जीरो पर आउट हो रहे हैं। अगर वो पिच पर खड़े रह गए, ये नहीं कि हमारे प्लेयर के जैसे अगर ये चल गया तो अगर के चक्रों में 50-60 मैच ले जाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर, लेकिन ये एक मैच फेल होंगे, दो मैच फेल होंगे, तीसरा मैच फेल होना सवाल ही पैदा नहीं होता। मॉडर्न डे की असल जो बैट्समैन है इस वक्त जो खेलता है मॉडर्न डे बैटिंग के मुताबिक, वो अभिषेक शर्मा है। अगर पूरे वर्ल्ड में उठाकर देखो, आईपीएल स्पेशली अगर आपने देखा होगा तो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेलता है, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करता है, पावर प्ले से उसको मुझे लगता फर्क नहीं पड़ता, वो तो छक्के और चौकों से बैटिंग करता है, सिंगल डबल तो वो लेता ही नहीं है। रोहित शर्मा 92 रन्स, आप जानते हो ना ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहा था अभी वर्ल्ड कप में, 92 रन्स पर फिर भी वो छक्के मारने की कोशिश कर रहा था। उसको ये फर्क नहीं है सेंचुरी आ रही है नहीं आ रही, वो सिर्फ टीम के लिए खेलना चाहता है। अभी अभिषेक शर्मा को देख लो आप, पहली गेंद पर आते ही उसने छक्का मारा, 50 रन्स के करीब पहुंच गया, 50 रन्स जो कंप्लीट की वो छक्का मार करके, सेंचुरी जो कंप्लीट की वो भी उसने छक्का मार करके। क्या मैसेज पहुंच रहा है, यानी ये मैसेज साफ साफ है कि मैं अपने लिए नहीं खेल रहा, मैं कंट्री के लिए खेलने आया हूँ। इसमें मुझे फेलियर भी देखने पड़ेंगे, लेकिन बीसीसीआई मुझ पर बिलीव रखे, यकीन रखे, मैं रोहित शर्मा को रिप्लेस करूंगा। आप मानो या ना मानो, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा में एक चीज तो कॉमन आपको अभी से नजर आ रही होगी, सेल्फिश इनिंग बिल्कुल भी ये दोनों नहीं खेलते। दोनों बैट्समैन है और ओपनर ही आते हैं, बस इतना फर्क है अभी तक के, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, एक राइट हैंड बैट्समैन है। लेकिन जो अभिषेक शर्मा का बैटिंग स्टाइल है, यकीन मानो एक दिन रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकता है ये। मगर अभी ये बहुत बड़ी बात है, अभी ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं पता जरूर चल जाता है कि ये प्लेयर किस लेवल का है। आप लोग इससे अंदाजा लगाएं, डेब्यू का मैच था, जीरो पर आउट हो गया, डेब्यू के मैच पर जीरो पर आउट हो गया, यानी सेकंड जो मैच होगा उसका वो तो देख बूझ कर खेलेगा ना, कोई भी ऐसा नहीं करेगा आते ही पहली बॉल पर वो छक्का मार दे, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अभिषेक शर्मा ने किया, 50 बन रही है डेब्यू, जाहिर बात है डेब्यू किया इंडियन टीम की तरफ से, 150 करोड़ अवाम से निकल कर आया है और ओपनिंग बैट्समैन में उसको जगह मिली है, तो उसको तो और भी देखकर खेलना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया यहाँ भी तो मैं बहुत मुश्किल से कमबैक करूंगा, लेकिन नहीं, उसने 50 पर भी छक्का मारा और सेंचुरी पर तो तीन छक्के उसने मारे हैं, तीन छक्के लगातार मारे और अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है। यानी इस बैट्समैन का लेवल कुछ अलग ही नहीं है। ये शर्मा का वो कहते हैं लोंडे बहुत ही खतरनाक है इंडिया में, ये दोनों रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं। इंडियन टीम का जो सेकंड T20 मैच था वर्सेस जिम्बाब्वे के, पहले मैच में ऐसा फील हो रहा था बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे मैच में ऐसा फील हो रहा था कि जिम्बाब्वे वाले सामने बच्चे हैं, ये तो जैसे फेंटी लगा रहे थे। शुमन गिल कैप्टन, वो तो इंटरनेशनल में वो ऐसे उसकी परफॉर्मेंस है ही नहीं, वो तो जल्दी आउट हो गया। अभिषेक शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 47 बालों पर सेंचुरी मार दी उसने। अभी ऋतुराज 70 रन बनाए 163 के स्ट्राइक रेट से। फिर आते हैं रिंकू सिंह, उसकी तो कमाल लाजवाब है, उसको तो पक्का होना चाहिए फिनिशर में और इंडियन टीम में तो उसको जरूर होना चाहिए। अगर हम डेथ ओवर में स्पेशली बात करें तो रिंकू सिंह टॉप 4 में शामिल हो गए हैं इंडियन टीम की तरफ से।
डेथ ओवर में 193 बॉल्स पर 32 छक्के मारे हार्दिक पांड्या ने। विराट कोहली ने डेथ ओवर में 24 सिक्सेस लगाए 158 गेंदों पर। दूसरी तरफ धोनी की तरफ देखें तो 258 गेंदों पर सिर्फ 19 छक्के लगाए हैं, और रिंकू सिंह की तरफ आप देखो 17 छक्के मार चुका है सिर्फ 48 बॉलों पर। कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये होती है मॉडर्न डे बैटिंग। वाओ क्या रोका है मोहम्मद रिजवान ने, वाओ मोहम्मद रिजवान क्या बैटिंग है आपकी, क्या स्टाइल है आपका बैटिंग का। ना मुन्ना ना कब्र में पैर है आपके, खुदा का वास्ता रिटायरमेंट ले ले, पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दे, खुदा का वास्ता तुझे रिटायरमेंट ले ले, पाकिस्तान टीम की जान छोड़ दे। ये देख ये इसका बैटिंग स्टाइल है चाचा इफ्तिकार का, ये है पावर हिटिंग। ये देख इसका सारा क्रेडिट प्लेयर को तो जाता ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी तरफ से और बहुत से क्रिकेटर के जितने भी फैन है वो सही में अगर मानो में समझते हैं क्रिकेट को, इन सब का क्रेडिट पता किसको जाता है, राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ के बारे में ये कहा जाता था कि ये डिफेंसिंग मोड से खिलाता है प्लेयर को, इसको कुछ पता नहीं है। राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम का कोच बना, उसको चैंपियन बना गया, वर्ल्ड कप जितवा दिया। राहुल द्रविड़ मेन टीम का कोच बना, मेन टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया, और क्या चाहिए। और वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में इन लोगों की फितरत है कि थोड़ी सी बैड परफॉर्मेंस चली जाए, देखो बैक टू बैक फाइनल भी खिलवाए फिर भी उस पर तनकीद हो रही थी, उंगलियां उठ रही थी कि राहुल द्रविड़ को हटाया जाए, इंडियन टीम का कोच कोई और लाया जाए। लेकिन राहुल द्रविड़ ने ये प्रूव करके दिखाया, उन लोगों को गलत साबित किया कि नहीं भाई सबर का पल मीठा होता है, थोड़ा सा सबर करो, मेरी अचीवमेंट भी कुछ कम अचीवमेंट नहीं है। राहुल द्रविड़ का बहुत ही बड़ा हाथ है, इंडियन टीम आज वर्ल्ड कप जीती है तो। और सबसे बड़ी बात जो कोई और कोच कर भी नहीं सकता, उस यार लंबा प्लान इसे कहते हैं कि एक प्रोसेस जो होता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए इसे कहते हैं। ग्रास रूट से उठकर आया, मेन टीम को चैंपियन बनवाया, और जो बेस्ट स्ट्रेंथ है जो बेंच पर बैठे होते हैं लड़के वो अगले 10 साल तक वो खेल सकते हैं, यानी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है टीम इंडिया के पास। एक इंजर्ड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दो हो जाए यानी पूरी की पूरी टीम वर्ल्ड कप की टीम एक साइड पर है और दूसरी टीम खेल रही है, इससे बड़ी अचीवमेंट है। और इससे और बड़ी अचीवमेंट, टीम का माहौल खराब होने नहीं दिया, जितने ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं मगर माहौल खराब नहीं हुआ, सब एक एक अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की तरफ मैं देखता हूं तो यार खून के आंसू बंदर होता है, ग्रुपिंग चल रही है, भाई मुझे कैप्टनसी से क्यों हटाया, मुझे कैप्टनसी से क्यों निकाला, इनकी यहीं पर जंग लगी हुई है, बजाय वर्ल्ड कप को जीतने के, बजाय पाकिस्तान को देखने के। दूसरे दिन चेयरमैन बदला होता है, मैनेजमेंट बदली होती है, कोचेस बदले होते हैं, कोई स्टेबल ही नहीं है, और वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं विदाउट एनी मिडल ऑर्डर बैट्समैन, विदाउट स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर भी हमारे पास नहीं है। इंडियन टीम की तरफ देखो प्रॉपर स्पिनर था, आज वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। और दूसरी टीम की तरफ देखो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पास भी प्रॉपर स्पिनर नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर स्पिनर भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि दूसरी क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो इंडिया, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड, ये हमसे बहुत ही आगे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास बी सी टीम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे तो मिडल ऑर्डर के लाले पड़े हुए हैं, हम बी सी टीम कैसे बना देंगे। इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, ना डोमेस्टिक लेवल पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने वाला नहीं है, ना साहिबजादा फरहान है या कोई भी मोहम्मद अली या कोई भी है, चाहे बैट्समैन हो बॉलर हो, जब वो इंटरनेशनल में आकर खेलता है उसका वो लेवल नहीं होता, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता वो। अभी पीएसएल से उठाया था उस्मान खान, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पीएसएल से उठाया साइम यूब को, कुछ भी नहीं किया। आजम खान बैल को उठाया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वैसी ट्रेनिंग नहीं होती। हाँ ये ट्रेनिंग कर लेंगे, भाग लेंगे, ईंटें उठा लेंगे, पत्थर उठा लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ईंटें और पत्थर उठाने से वर्ल्ड कप जीते जाते तो मजदूरों के पास कोई 1700 वर्ल्ड कप होते। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके पास स्किल ना हो, स्किल के साथ आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक टीम होनी चाहिए, यानी एक सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, वो पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना। दोस्तों इसमें इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, इंडियन की जो बी टीम है, बी टीम भी नहीं है तो सी टीम है, क्योंकि बी टीम में तो संजू सैमसन, के राहुल, चक्रवर्ती और कितने प्लेयर शामिल हैं। ये सी टीम खेल रही है जिम्बाब्वे के साथ, इंडिया के पास ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, मेन टीम है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।